कोरोना संक्रमण ने राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश का लगभग पूरा बजट कोरोना की भेंट चढ़ गया है, लिहाजा ना तो पिछले बजट की घोषणाएं पूरी हो पाई हैं और ना ही नई घोषणाओं पर काम हो पाया है। यहां तक कि सरकार को फ्लैगशिप योजनाओं के बजट में भी कटौती करनी पड़ रही है। विधायकों से भी मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ का फंड वैक्सीनेशन के लिए डोनेट करने का आह्वान किया है। मैं अपना बजट डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। मैं विधायक महोदय को भी कहना चाहूंगा, जितने हमने अभी 3-3 करोड़ बढ़ाए थे उनके विधायक फंड के, वो 3 करोड़ रुपये प्रति विधायक जो अभी बढ़ाए इस साल, उसको मैं चाहूंगा वो अभी इसका इस बार इसको 18 साल के प्लस नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए डोनेट कर दे सरकार को। तो हम लोग इस प्रकार से और बढ़ाएंगे। जो एक फंड होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है माइनिंग का, उसमें से पैसा कुछ लेंगे हम लोग। 3000 करोड़ का जुगाड़ करके हम चाहेंगे कि पूरी तरह वैक्सीनेशन 18+ नौजवानों का भी, जिनकी ज़्यादा मृत्यु हो रही है, जितनी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, उन सब का जीवन बचे, उनके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं उसमें लगेंगे। तो पैसे कमी नहीं आएगी, कम पड़ेगा तो हम और अपने बजट में देंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ काम और कम करेंगे। जाहिर है कि कोरोना की पहली लहर ने राज्य की आर्थिक रीढ़ को तोड़ा और अब दूसरी लहर में यह संकट और गहरा गया है। ऐसे में सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा, उनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन एकल नारी विशेष योग्यजन पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, पशुधन निःशुल्क दवा योजना, दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, शहरी बीपीएल आवास योजना, मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे प्रदेश का पूरा बजट लग जाए, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है। और सरकारी इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे पूरा बजट में जाऊंगे उसके अंदर तो मुझे मंजूर होगा, परंतु सरकार के कामों से या व्यवस्था से कोई आदमी मरे, ये मुझे सहन नहीं होगा। गौरतलब है कि दूसरी लहर के साथ ही ब्लैक फंगस, पोस्ट कोविड उपचार, संपूर्ण वैक्सीनेशन और तीसरी लहर की चुनौतियां प्रदेश के सामने हैं। ऐसे में कोरोना उपचार ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।